हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आप लोग का बहुत सारा रेडमी एमआई हैंडसेट के ऊपर कमेंट आया था कि सर मेरा रेडमी एमआई हैंडसेट है वो लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप रेडमी पे एक वीडियो बनाइए। और एक बंदे का फोन आया था, जो बंदा बोल रहा था कि सर जो कोड आप दिए हो वो कोड गायब हो गया है। तो फ्रेंड, मैं हमेशा से आप लोग को एक बात बताते आता हूँ कि जो मैं कोड देता हूँ वो कोड का आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो। मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि कंप्लेन आया है बहुत सा ऐसा बंदे का जो कि वो कोड गायब हो जाता है, तो मैं इसलिए तो बोलता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो, ताकि कोड गायब भी हो जाएगा तो आपके फोन में तो वो कोड सेफ रहेगा ना। तो फ्रेंड, आप लोग ऐसा कमेंट मत किया करो यार, वीडियो को एंड तक देखो, आप लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास रेडमी एमआई हैंडसेट है वो लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, तो उसका पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो या स्क्रीन लॉक हो या फिंगर लॉक हो, उसको कैसे तोड़ा जाए बिना सर्विस सेंटर गए हुए और बिना डाटा डिलीट किए हुए। आपको पता है इस सिचुएशन में जब आप सर्विस सेंटर जाओगे या किसी रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाओगे, फ्रेंड दोनों जगह आपसे पैसा लेंगे, आपका समय लेंगे। और जब आपका फोन आपके हाथ में अनलॉक होकर मिलेगा तो टोटल का टोटल डाटा डिलीट हो चुका होगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। लेकिन मेरे इस मेथड के अनुसार चलोगे तो आपका एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा और टोटल का टोटल डाटा सेफ रहेगा और फोन भी अनलॉक मिलेगा। फ्रेंड तो आइए फ्रेंड, मैं इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आपके पास पहुंचता रहे। फ्रेंड तो सबसे पहला वर्क आपको अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करना है। जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर ऐसे स्वीप अप करोगे नीचे इमरजेंसी कॉल दिखेगा, उसके अलावा कहीं क्लिक नहीं होगा। फ्रेंड यहाँ क्लिक होगा तो आपको पता है कि यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड जाएगा, क्योंकि आपको पासवर्ड याद नहीं है, तभी तो आपका फोन लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है। तो आपको इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना है। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा तो ये जो न्यू डायलेट आपके सामने खुल रहा है, इस न्यू डायलेट में ऑफलाइन मूड एक्टिव कोड का इस्तेमाल करना है। ऑफलाइन मूड एक्टिव कोड का इस्तेमाल करना है, जो कोड मैं आप लोग के सामने स्क्रीन पे अप्लाई कर रहा हूँ, 5533269 5533 है भाई, 5533269 और हैज। ये कोड आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो, कैसे ही भी कुछ भी करो, लेकिन ये कोड अपने पास रख लो फ्रेंड, क्योंकि ये कोड गायब भी हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इस कोड को 5 टाइम कॉल करना है ताकि ये कोड रनिंग करे और अपना वर्क कंप्लीट करे। इस कोड के द्वारा आपका डाटा सेफ हो जाएगा जो कि सर्विस सेंटर वाले डिलीट कर देंगे, और ये सब सर्विस सेंटर वाले आपको दिखाएंगे भी नहीं, लेकिन मैं आपके सामने टोटल वर्क कर रहा हूँ। फ्रेंड 5 टाइम कॉल कैसे करना है, कॉल पे क्लिक करोगे, कॉल फेल्ड द नंबर डायलेड इज नॉट एन इमरजेंसी नंबर का मैसेज आया, उसको ओके कर दीजिए। ये हो गया 1 टाइम, 2, 3, 4 एंड देन 5, 5 टाइम आप कॉल कर लिए, ये कोड रनिंग भी कर लिया। अब ये वर्क किया है या नहीं किया ये तो वीडियो के एंड में पता चलेगा। तो इस कोड को हटाना कैसे है फ्रेंड, एक एक करके हटाना है, डायरेक्ट नहीं हटाना है। टोटल कोड का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के अनुसार आप लोग चलिए तो आपका फोन अनलॉक होगा, वो भी विदाउट डाटा लॉस होगा फ्रेंड। तो इस न्यू डायलेट में अब आपको एक सेकेंड कोड का इस्तेमाल करना है फ्रेंड, जो कोड आपको मैं अभी अप्लाई करके दूंगा, लेकिन उस कोड का नाम आप लोग सुन लो। उस कोड का नाम होता है फ्रेंड गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड। ये कोड हम लोग को अलाउ किया जाता है, दिया जाता है, जो कोड मैं आपके सामने अप्लाई कर रहा हूँ। इस कोड में 3 और 1 का कोई काम नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। पहले आप देख सकते हो इस कोड में 3 और 1 का कोई काम नहीं होगा फ्रेंड, इस कोड में 3 और 1 दिखेगा ही नहीं। इस कोड को आपको 7 टाइम कॉल करना है, ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले टाइम किए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड देन 7, 7 टाइम कॉल हो चुका है। इस कोड को हटाना है तो डायरेक्ट, इस बार इसको एक एक करके नहीं हटाना है, डायरेक्ट हटाना है। डायरेक्ट हट गया, अब आपके स्क्रीन पे होम बटन है या
आपके पास स्वीप अप का ऑप्शन है। अगर आपके रेडमी हैंडसेट में स्वीप अप है तो स्वीप अप कीजिए, अगर स्वीप अप हो या ना हो, होम बटन है तो होम बटन पे क्लिक कीजिए, लेकिन होम से ही कीजिएगा। स्वीप अप भी है तो होम से ही कीजिए और चेक कीजिए कि आपका फोन अनलॉक हुआ है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये फोन अनलॉक हो चुका है। इस फोन का टोटल डाटा सेफ है और इस फोन का पासवर्ड लॉक था जो टूट चुका है। अगर आप सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लग जाता फ्रेंड, क्योंकि डाटा सर्विस सेंटर वाले नहीं छोड़ते हैं, वो ले जाते हैं अपने साथ। तो डाटा बचाया, पैसा बचाया, समय बचाया और फोन का भी लॉक तोड़ना सिखाया। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आपके पास किसी भी कंपनी का हैंडसेट है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।